नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं अंशु कुमार। यहां पर हम आपको किसान, खेती बाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रही कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नज़र डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे कैस्टर सीड के बम्पर उत्पादन के बारे में, जानेंगे इंडिया अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम सम्मेलन के मकसद को, बताएंगे बिहार के प्रखंड स्तर पर बनने वाली सिंचाई योजना का लाभ, समझेंगे गोवा के किसानों की नई आफत के बारे में, साथ ही बताएंगे चढ़ावे के फूलों का रिसाइकल करके कैसे उपयोग किया जा रहा है। इस वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान देश में कैस्टर सीड के उत्पादन में जोरदार इजाफा होने का अनुमान लगाया गया है। अहमदाबाद में हुए ग्लोबल कैस्टर कॉन्फ्रेंस में तेल और तिलहन इंडस्ट्री के बड़े जानकार और तिलहन मार्केट पर रिसर्च मुहैया कराने वाले गोविंद भाई पटेल ने इसकी जानकारी दी है। साल 2015-16 के दौरान देश में कैस्टर सीड के उत्पादन में जोरदार इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश में तेल और तिलहन इंडस्ट्री के बड़े जानकार और तिलहन मार्केट पर रिसर्च मुहैया कराने वाले गोविंद भाई पटेल के मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में कैस्टर सीड का उत्पादन 27% बढ़ने का अनुमान है। गोविंद भाई पटेल ने अहमदाबाद में हुई ग्लोबल कैस्टर कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक साल 2015-16 के दौरान देश में कैस्टर सीड का उत्पादन बढ़कर 15 लाख टन तक पहुंच सकता है। यही नहीं, साल 2015-16 के दौरान उन्होंने देश में कैस्टर सीड का कैरी ओवर स्टॉक बढ़कर 5 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। भारत की कंपनियां अफ्रीका में निवेश करें, इसके लिए उद्योग संगठन फिक्की ने कृषि और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व भारत सरकार के मंत्रालय के साथ साझेदारी में दिल्ली में इंडिया अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम सम्मेलन का आयोजन किया। दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया अफ्रीका एग्री बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि देश में दलहन और खाद तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों को अफ्रीका जैसे देशों में दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। कृषि मंत्री के मुताबिक भारत सरकार ने अफ्रीका में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की है और देश की कुछ कंपनियों ने वहां पर कृषि में निवेश किया है। इस मौके पर अफ्रीकी देश जाम्बिया के कृषि मंत्री ने कहा कि उनका देश 10 से 15,000 हेक्टेयर जमीन को 99 वर्ष के लिए लीज पर देने को तैयार है। गौरतलब है कि देश में दाल और खाने के तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। बिहार में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और खेत में सिंचाई की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रखंड स्तर पर सिंचाई योजना बना रही है। इस योजना के तहत सरकार ने हर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है। बिहार राज्य में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर नई सिंचाई योजना बनेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए नए सिरे से सिंचाई की योजना बनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य के बामेती कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ही केंद्र से आए सिंचाई योजना के विशेषज्ञों के साथ कार्यशाला हुई। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने कहा कि निजी बोरिंग के साथ ही सामूहिक बोरिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्षेत्र और फसलवार किसानों का समूह बनाकर सिंचाई से लेकर खाद, बीज की उपलब्धता और मार्केटिंग से जोड़कर किसानों की स्थिति बेहतर की जा सकती है। इस साल सभी मसालों में सबसे ज्यादा मांग जीरे की हो रही है। साल 2015 में जीरे की कीमतों में आई भारी अस्थिरता ने जीरे को मुनाफा दिलाने वाला मसाला बना दिया है। जीरे का दाम पहले 17,000 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और फिर घटकर 14,000 रुपये के नीचे आ गया। पिछले साल देश भर में करीब 4.50 लाख टन जीरे का उत्पादन हुआ था और इस साल उत्पादन घटकर 3.85 लाख टन रहने का अनुमान है। देश का सबसे बड़ा जीरा उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल जीरे का उत्पादन करीब 43% घटने का अनुमान जारी किया गया है। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी अनुमान के मुताबिक
इस साल गुजरात में जीरे का उत्पादन 1.98 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले साल राज्य में 3.47 लाख टन जीरे का उत्पादन हुआ था। इस साल गुजरात में जीरे की बुआई में भारी गिरावट आई है। वहीं इस साल विदेशों से भारतीय जीरे की मांग में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। भारत के अलावा दुनिया में ज्यादा जीरा सीरिया और तुर्की में पैदा होता है, लेकिन दोनों ही देशों में इस साल जीरे की फसल वहां चल रहे तनाव की वजह से खराब हुई है, जिस वजह से विदेशों से भारतीय जीरे के लिए मांग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को वन्य जीव अधिनियम की सूची में भी संरक्षित किया गया है, लेकिन इन दिनों मोर गोवा के किसानों के लिए आफत बनते जा रहे हैं, जिसके तहत मोर को गोवा में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला जीव घोषित किया जा सकता है। मोर देश का राष्ट्रीय पक्षी है और वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, लेकिन मोर की बढ़ती आबादी से गोवा के किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। गोवा में मोर अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला जीव माना जा सकता है और संख्या घटाने के लिए इन्हें बड़ी संख्या में मारा भी जा सकता है। गोवा के कृषि मंत्री रमेश तावड़कर मोर को उन बंदरों और जंगली सुअरों की तरह ही कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक मानते हैं, जो फसलों को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि मोर को अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला जीव घोषित किया जाए। अभी तक गोवा में मोर समेत पशु पक्षी की किसी भी प्रजाति को नाशक जीव घोषित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में जल्द ही बिचौलियों और दलालों का कारोबार खत्म होगा और किसान अपना उत्पाद सीधे रिटेलर को बेच पाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं। किसान अपना उत्पादन सीधे रिटेलर को बेच पाएं, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई रिटेल पॉलिसी तैयार की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। नई पॉलिसी से करीब 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पॉलिसी से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और किसान सीधे रिटेलर को अपना माल बेच पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की नई रिटेल पॉलिसी में रिटेलरों को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में राहत दी जा सकती है और शिकायत मिलने के बाद ही दुकानों का निरीक्षण होगा। नई रिटेल पॉलिसी में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। महाराष्ट्र के कृषि निदेशालय में आयोजित एक राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंडरिया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में उन्होंने गोवा के किसानों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती पर ध्यान देने का निर्देश दिया। कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कंडूरिया ने कहा है कि गोवा के किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से अधिकतम लाभ लेने के लिए साथ ही कृषि उत्पादन में सुधार और जैविक खेती करने पर भी जोर देना चाहिए। कृषि राज्य मंत्री महाराष्ट्र के कृषि निदेशालय में आयोजित एक राज्य स्तरीय सम्मेलन बेहतर विपणन के लिए कृषि में मूल्य संवर्धन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित थे। उन्होंने कहा कि आजकल उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग हानिकारक है। खेती के लिए जैविक तरीके में सुधार करने की जरूरत है। गोवा के किसानों केंद्र और राज्य सरकार के समर्थन की मदद से उत्पादन बढ़ाने में और अधिक जोर देना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और आम जनता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहल के बारे में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश डायरी में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी बजट वित्त वर्ष 2016-17 की घोषणा कर दी है। इस बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने कृषि, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया है। साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 को किसान वर्ष एवं युवा वर्ष भी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 3,46,965 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.6% अधिक है।
इस बजट में कृषि, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 को किसान वर्ष एवं युवा वर्ष घोषित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा सूखाग्रस्त 50 जिलों में फसलों को हुई क्षति से निपटने के लिए 2,057 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। सूखाग्रस्त जिलों में अतिरिक्त चारा दाना विकास कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री की अध्यक्षता में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समय समय पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की बेहतरी के लिए राज्यों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन करता रहता है। बैठक के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि हमारा मकसद सिविल अधिकार संरक्षण कानून के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को खत्म करना है। बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला व कृष्णपाल गुर्जर एवं मंत्रालय की सचिव अनीता अग्निहोत्री और अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार समेत देश के सभी राज्यों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव मंत्री आयोग के सदस्य मौजूद थे। कानून पहले बने हुए हैं, उनमें प्रावधान नहीं होने के कारण वो उस परिभाषा में नहीं आते, तो संसद ने मेरे मंत्रालय के एक विधायक को पिछले सत्र अर्थात नवंबर दिसंबर के सत्र में पारित किया। उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए हैं जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होते थे और परिभाषा में सम्मिलित नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती थी, ऐसे प्रावधान किए हैं। उसके कारण अब उनके साथ अत्याचार की घटनाएं कम होगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नई फसल बीमा योजना का शुभ आरंभ किया। इसके साथ साथ पीएम ने मेले में किसानों को संबोधित किया और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बांटे। लाखों किसानों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया और अपने हाथों से किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंबेडकर जयंती के मौके पर अप्रैल में महू से किसानों के लिए ई प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की जाएगी। पीएम ने मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को 4 बार कृषि क्रमण पुरस्कार पाने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। जैसा कि आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना को दिसंबर महीने में मंजूरी दी थी। यह योजना आगामी खरीफ सीजन से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत खरीफ की फसलों के लिए किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम चुकाना होगा। रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। बागवानी फसलों के लिए ये प्रीमियम 5% होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के मकसद से दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कई क्षेत्रों के कारोबारियों ने शिरकत की। दूध के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो किसान के स्तर पे आती है कि दूध का जो उत्पादन है किसान को प्रत्येक गाय से प्रत्येक भैंस से जितना अधिक मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। दूसरी जो मुश्किल आती है वो दूध का उद्योग ऐसा है कि किसानों के पास बहुत थोड़ा दूध होता है, उसको एकत्र करके हम उनको चिलिंग सेंटर पे लेके जाते हैं या डेयरी पे लेके जाते हैं। तो जो प्रोसेस है दूध को इकट्ठा करने का, उसमें टेस्टिंग करनी होती है, उसमें एनालिसिस करना होता है ताकि किसी ने एडल्ट्रेशन ना किया हो, उसको दूध को ला करके अवशीतन केंद्र पे लाए, अवशीतन केंद्र फिर टेस्ट किए जाते हैं और वहाँ से करने के बाद उसको डेयरी में भेजा जाता है। इस तरीके की तो जो प्रोसेस है दूध को इकट्ठा करने का, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आपने आज फैट टेस्ट कर लिया,
आपने आज SNF टेस्ट कर लिया, अभी प्रोसेस आ रहा है कि एंटीबायोटिक को टेस्ट कर लो, अभी प्रोसेस आ रहा है कि सारी जितनी टेक्नोलॉजी है वो टेस्ट कर लो। तो जो राष्ट्रीय उत्पादकता संस्थान है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नंबर एक, किसान तक जो आज का नया टेक्नोलॉजी है दूध उत्पादन में वो कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इशू आती है। उसी में स्किल गैप और स्किल डेवलपमेंट का बहुत काम आता है, क्योंकि किसान के पास पहुंचने के लिए हमारे को एक माध्यम रखना पड़ेगा जो किसान को जाके सिखाए कि भैया दूध का उत्पादन बढ़ाना तो ये काम करो। सरकार पर्यावरण के मुद्दों पर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण सूचना प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा, आर्थिक सलाहकार आनंदी सुब्रमण्यम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह समेत देश के एनविस सेंटर से आए पदाधिकारी समेत विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला के लिए एनविस प्रणाली के शुभारंभ के मौके पर पर्यावरण सूचना प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का प्रयास हमेशा प्रकृति की देखभाल और विकास को सुनिश्चित करने का रहा है। इस दौरान जावड़ेकर ने सिक्किम के वन पर्यावरण वन्य जीव प्रबंधन विभाग को सर्वश्रेष्ठ राज्य ANVIS केंद्र और बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ विषयक एनविस केंद्र का पुरस्कार भी दिया। पर्यावरण की जागृति लोगों में पैदा हो और साथ ही साथ जो विकास होता है वो भी पर्यावरण के नुकसान के बिना कैसे हो, उसके लिए उद्योगों से लेकर सभी व्यवसायियों को भी सही मार्गदर्शन मिलने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। और यह ऐसी जानकारी देने वाले, रिसर्च करने वाले सभी इंस्टीट्यूट से भी तालमेल रखेगा, ये प्रयास है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका लाभ समाज को और जो खास रुचि रखते हैं पर्यावरण के विषय में उनको होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूखा प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूखा प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बैठक आयोजित की। उच्च स्तरीय बैठक में समिति ने सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केंद्रीय दल की रिपोर्ट पर आधारित प्रस्तावों का आकलन किया। राष्ट्रीय स्तरीय बैठक ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से असम के लिए 332.57 करोड़ रुपए, झारखंड के लिए 336.94 करोड़ रुपए और राजस्थान के लिए 1,193.41 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। उच्च स्तरीय बैठक ने आंध्र प्रदेश के लिए क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजलापूर्ति कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 9 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा राहत कोष 280.19 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहे कुछ खास बदलावों के बारे में। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा पार्क बनने पर यहां 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे वाराणसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली मुहैया कराई जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। स्वच्छता के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कामों के लिए केंद्र सरकार ने देश के 15 शहरों को सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री M. वेंकैया नायडू ने अपने अपने शहरों में बेहतर स्वच्छता को लेकर किए गए प्रयासों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के नतीजों की घोषणा की। शहरी विकास मंत्री M. वेंकैया नायडू ने दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित सम्मेलन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 के परिणाम जारी किए, जिसमें देश भर में पिछले महीने किए गए प्रमुख 73 शहरों के
कर्नाटक का मैसूर शहर सबसे स्वच्छ शहर और झारखंड का धनबाद सबसे निचले पायदान पर रहा। इस सर्वेक्षण के लिए 10 लाख से ज्यादा की आबादी के 53 शहरों और इससे अधिक की जनसंख्या न रखने वाली 22 राजधानियों का चयन किया गया। नोएडा और कोलकाता ने अगले दौर के सर्वेक्षण में शामिल होने की इच्छा जताई है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा पार्क बनने पर यहां 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे वाराणसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली मुहैया कराई जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे वाराणसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बिजली मुहैया कराई जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा पर काम करने का फैसला भी किया है। इसके लिए विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के 2.5 एकड़ परिक्षेत्र में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे यहां 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे वाराणसी के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी बिजली मुहैया कराई जाएगी। एयर पॉल्यूशन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। साथ ही खस्ता हाल हो रहे कब्रिस्तानों और शवदाह गृहों की हालत के बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कब्रिस्तानों और शवदाह गृहों की खराब हालत पर चिंता जाहिर की है और कहा कि इसके बेहतर रखरखाव की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लकड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक शवदाह गृहों को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी अहमद और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि इन जगहों की सफाई बेहतर होनी चाहिए, इसे स्वच्छ बनाना चाहिए। एयर पॉल्यूशन मुद्दे पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इसकी टिप्पणी की। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। महिलाओं की स्थिति को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात की तर्ज पर 181 महिला हेल्पलाइन शुरू करने जा रही है। इससे महिलाओं को पुलिस, मेडिकल, कानूनी सलाह और काउंसलिंग जैसी तमाम जानकारियाँ कुछ एक नंबर पर मिल जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसका जिम्मा 108 और 102 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीवी के EMRI को दिया है। 24 घंटे चलने वाली इस हेल्पलाइन में महिलाओं को जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी मिलेगी। जौ खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, ये तो आप जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि नियमित जौ का सेवन करने से ब्लड प्रेशर और शुगर तो घटता ही है, साथ ही में ये दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखते हैं। जौ के फायदों पर नया शोध सामने आया है। शोध के मुताबिक जौ का सेवन भूख तो नियंत्रित करता ही है, साथ ही खून में शुगर की मात्रा को भी कम करता है। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसका अध्ययन किया है। इस अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों को 3 दिन तक तीनों समय के खाने में जौ से बनी रोटियां खाने के लिए दी गई, जिसमें पाया गया कि जौ की रोटियां खाने वालों का मेटाबॉलिज्म मजबूत हो गया। इसके अलावा ब्लड शुगर घटने और भूख नियंत्रित रखने के फायदे भी देखे गए। जौ की रोटी के सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों में भी कमी देखने को मिली। देश भर के मंदिरों में चढ़ावे के रूप में जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उनका आप किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप इस मसले पर कुछ सोच रहे हैं तो हम आपको इन चढ़ावे के फूलों से बनने वाले खाद, इत्र और अगरबत्ती के बारे में बताने वाले हैं। दिल्ली के कई बड़े मंदिरों में फूलों को रिसाइकल करके उनकी खाद बनाई जाती है। मंदिरों में जितने भी फूलों का चढ़ावा आता है, उन्हें रिसाइकल किया जाता है। कई मंदिरों में फूलों को छांटने के लिए 2 से 3 लोगों को इसी काम में लगाया गया है। कुछ मंदिर दिल्ली के बाहर गौशाला में फूलों को रिसाइकल करने के लिए भेजते हैं। कई मंदिरों में एक दिन में 50 किलो तक फूल इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही दिल्ली और वाराणसी के मंदिरों और दरगाह में चढ़ाए गए फूलों से बना इत्र अब प्रसाद के तौर पर भी मिलने वाला है। वाराणसी और दिल्ली के 2 मंदिरों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बनाकर
पीएमओ को भेजा जा चुका है। साथ ही इत्र के बाद बचे मटेरियल को रिसाइकल कर गैस, खाद और अगरबत्ती बनाई जाएगी। ये क्लीन इंडिया मिशन की ओर एक और कदम होगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक सामाजिक विकास, खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।